भारत इस साल प्रतिष्ठित G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर लगी हुई हैं। आज इस बीच सिनेमा के पटल पर भारत और रूस के साझा प्रयासों को लेकर भारत में एक बड़ा ऐलान किया गया। बनारस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया कि भारत और रूस जल्द ही साझा रूप से फिल्मों का निर्माण करेंगे और इस नई सिनेमाई साझेदारी को एक नए मुकाम पर लेकर जाएंगे। बनारस के मॉल रोड स्थित GHV सिनेमा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी ऐलान किया गया कि भारत और रूस फिलहाल 3 फिल्मों का साझा रूप से निर्माण करेंगे। उल्लेखनीय है कि साझा तौर पर निर्मित की जाने वाली 3 ही फिल्मों में भारत और रूस दोनों देशों के कलाकार और तकनीशियन काम करेंगे और सभी फिल्मों की शूटिंग अगले साल शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि भारत और रूस के सहयोग से बनने वाली इन सभी फिल्मों का निर्माण रूस की ओर से एलेक्सी गिवोरखिन, राबियात अदजी कामालोवा, तो वहीं भारत की ओर से निर्माता जिशान अहमद और वशीम अख्तर करेंगे। अरे ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है हम लोग के लिए। सो रिस्पेक्टेड मैन, सो रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल केम टू सी आवर फिल्म्स बॉम्बे में लास्ट ईयर। ही आल्सो वाज विद अस एंड वी वर सो हैप्पी व्हेन वी स्पोक विद हिम अबाउट इट एंड ही सेड दैट या गाइस आई रियली वांट टू बी विद यू इन योर दैट बिग डे। So, and then he came and we are very happy. We went to meet him yesterday when he arrived to hotel also. Because it's not because he's a big person, but it is because he loves us and we are paying back same love what we have inside. हम इंडो-रशियन कोलैबोरेशन के साथ 3 फिल्में एक साथ अनाउंस करने जा रहे हैं, जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है, है ना? तो जो इंडियन कोलैबोरेशन के साथ फिल्म बनाई जा रही है, तो इसमें डायरेक्टर एक्टर जितने भी हैं, आधे डायरेक्टर्स या फिर एक्टर्स यहाँ के होंगे और आधे वहाँ के होंगे। तो इस तरीके से हम अपने पूरे कल्चर को, अपने पूरे समाज को पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं फिल्मों के द्वारा। और वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो सिनेमा है, उनका जो सोचने का तरीका है, उनका जो प्यार है, जो भाव है, वो हम हिंदी सिनेमा के ज़रिए पूरी दुनिया में पहुँचा सकते हैं। तो एक बहुत ही गर्व का क्षण है जो हमें प्राप्त हुआ है और हम बहुत जल्दी इन 3 फिल्मों पे काम शुरू करने जा रहे हैं।